नमस्ते बच्चों आज हम पार्ट ग्यारह सच्ची दोस्ती पार्ट का अभ्यास करेंगे सो विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर सिक्सटी सेवन ये यू कैन सी द फर्स्ट एक्सरसाइज पार्ट ज्ञान प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सो यू हैव टू आंसर फॉलोइंग द्वेश्चन्स फर्स्ट वन का लोमड़ी कहाँ रहती थी सो द मीनिंग इज वेयर डिड द फॉक्स लिव सेकेंड वन खा कछुआ कहा रहता था वेर डिड टर्टल लिव थर्ड वन गा शाम को दोनों क्या करते थे सो द मीनिंग इज वॉट डिड बोथ डू इन इवनिंग घा शेर ने कछुए का क्या किया सो वॉट डिड दी लाइन डू विद टर्टल गा शेर कछुए को क्यों खा नहीं पा रहा था द मीनिंग इज लाइन कुड नॉट ईट दी टर्टल नी दर्स्ट क्वेश्चन कहा किनारे रहती थी खा प्रश्न कछुआ कहा रहता था कछुआ नदी में रहता था गा शाम को दोनों क्या करते थे सही उत्तर है शाम को दोनों एक साथ खेलते खाते और मस्ती करते थे घा प्रश्न शेर ने कछुए का क्या किया सही उत्तर है शेर ने कछुए को पैरों से दबोच लिया आखिरी वाला गां शेर कछुए को क्यों खा नहीं पा रहा था सही उत्तर है शेर कछुए के सख्त ऊपरी हिस्से के कारण नहीं खा पा रहा था so this is the answer for the first exercise. now let's move on to the second one. dusra, abhyas, hai, sahi, uttar, chuniye. so you have to choose the correct answer. you can see here in page number 68, the first question, ka, lomdi ka mitra, tha? so who was the fox friend? options are first one, kargosh means rabbit. second one, hathi, elephant. थर्ड कछुआ टर्टल सो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन खा कछुआ शेर से बच क्यों नहीं पाया सो द मीनिंग इज व्हाई कूड नॉट द टर्टल एस्केप फ्रॉम दी लायन। द ऑप्शंस आ फर्स्ट वन वह तेज नहीं भाग सका सेकेंड वन लोमड़ी ने उसे शेर के पास भेज दिया शेर ने उसे मुँह में दबा लिया थर्ड वन गा कछुआ कैसे बचा सो हाउ डिड दी टर्टल सर्वाइव ऑप्शन आ फर्स्ट वन लोमड़ी ने उसे बचाया सेकेंड वन कछुआ तेजी से भागा थर्ड वन शेर ने उसे छोड़ दिया ना लेट्स सी दी आंसर सो सेकेंड एक्सरसाइज आंसर्स का लोमड़ी का मित्र कौन था सही उत्तर है कछुआ खा कछुआ शेर से बच क्यों नहीं पाया सही उत्तर है वह तेज नहीं भाग सका द मीनिंग इज ही कुड नॉट रन फास्ट गा कछुआ कैसे बचा सही उत्तर है लोमड़ी ने उसे बचाया द फॉक्स सेव्ड हिम दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड एक्सरसाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड वन प्रश्न है किसने किससे कहा हु सेड टू होम सो हियर द फर्स्ट वन का शेर महाराज कछुए की खाल को तोड़ने का उपाय मैं बताऊं। खा ठीक है ठीक है जल्दी बोलो सो यू हैव टू राइट हु सेड दिस टू हु नाउ लेट्स चेक आंसर सो द फर्स्ट वन का शेर महाराज कछुए की खाल तो तोड़ने का उपाय मैं बताऊं। सही उत्तर है लोमड़ी ने शेर से कहा खा ठीक है ठीक है जल्दी बोलो यह शेर ने लोमड़ी से कहा सो यू हैव टू राइट ऑल दीज आंसर्स इन योर नोटबुक नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ एक्सरसाइज प्रश्न है पाठ के अनुसार क्रम से रखिए सो यू हैव टू राइट इन द करेक्ट ऑर्डर सो द गिवन सेंटेंसेस आर फर्स्ट वन शेर ने कछुए को दबोचा दैट मीन्स द लायन कॉट दी टर्टल खा लोमड़ी और कछुआ मित्र थे द फॉक्स एंड द टर्टल व फ्रेंड्स घा लोमड़ी ने कछुए को चालाकी से बचाया मीनिंग इज द फॉक्स क्लेवरली सेव द टर्टल घा शेर मुंह देखता रह गया सो द मीनिंग इज द लायन कैप्ट लुकिंग एट द माउथ सो यू हैव टू अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर नॉलेज चेक द आंसर सो हियर द फर्स्ट वन इज़ खा लोमड़ी और कछुआ मित्र थे सेकेंड वन का शेर ने कछुए को दबोचा थर्ड वन गा लोमड़ी ने कछुए को चालाकी से बचाया लास्ट वन घा शेर मुँह देखता रह गया ना लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज भाषा ज्ञान प्रश्न है वाक्य बनाइए सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस So you can see here the following words have double meaning. The first one is ka bus. So bus yatra karne ka vahan. That means bus we use to travel. Next one is same word we use for other meaning that is enough. Kafi. So this word that is bus we use in different ways. So the first one is. Yatra karne ka vahan, it's a vehicle, and the second one is kafi, that means enough. So you have to make sentences. Next one is kal, aane wala kal, that means tomorrow, and this word we use for this meaning, hua kal, that means yesterday. So kal we use for tomorrow, and we also use for yesterday. So you have to make sentences. Ga. Par. First meaning is upar, that means on. And the second meaning is punk, means feathers. So you have to make sentences using these meanings. Now let's see the answer. So the first word is bus. So the first sentence is me kal bus se jauga. So here bus is a vehicle. And the meaning of the sentence is. Tomorrow, I'll go by bus. Second one is, Bus, up, chup ho jao. The meaning is, Enough, just shut up now. Next one, Kal. So, the sentence for kal is here, Kal mama ji aa rahe hain. That means, Tomorrow, uncle is coming. Next one is, Kal hum Delhi gay the. That means, Yesterday, we went to Delhi. So, this way,

So, this was the first exercise of Bhasha Gyan. Let's move on to the second exercise. Linki ashuddhi thi ki So, you have to correct the gender. So, you can see here the first sentence. Ladka school jati hai. So, here ladka means boy, and jati hai we use for females. So, you have to correct this word jati hai. Next one. ka. हाथी मोटी है सो हियर हाथी मीन्स एलिफेंट एंड मोटी है वी यूज़ फॉर फीमेल्स सो यू हैव टू करेक्ट दिस मोटी वर्ड नेक्स्ट वन गा उसका बहन का नाम गीता है सो हियर बहन मीन्स सिस्टर सो वी हैव टू चेंज दिस वर्ड उसका दिस उसका वी यूज फॉर बॉयज नेक्स्ट वन घा घड़ी तेज चलता है सो हियर घड़ी मीन्स वॉच और क्लॉक एंड चलता है सो वी हैव टू चेंज दिस चलता है वर्ड नो लेट्स सी दी आंसर्स फर्स्ट वन का लड़का स्कूल जाता है सो इंस्टेड ऑफ जाती है वी राइट जाता है खा हाथी मोटा है इंस्टेड ऑफ मोटी वी राइट मोटा है गा उसकी बहन का नाम गीता है सो so इंस्टेड ऑफ उसका वी राइट उसकी लास्ट वन घा घड़ी तेज चलती है सो हियर इंस्टेड ऑफ चलता है वी राइट चलती है सेंटेंसेस घड़ी तेज चलती है सो दिस वॉज द सेकेंड एक्सरसाइज थर्ड वन वाक्य बनाइए सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यू कैन सी फ्यू वर्ड्स आर गिवेन इन पेज नंबर सेवेंटी का शेर means lion, kha lomri means fox, ga kachwa means turtle, gha nadi means river. So you have to make sentences. You can also make your own sentences and you have to write it in your notebook. Now let's see the answer. The first word, share. So the sentence is share a jungly janwar hai. So lion is a wild animal. Ka लोमड़ी एक चतुर जानवर है फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल गा कछुआ दी सेंटेंस इज कछुआ धीरे चलता है दैट मीन्स द टर्टल वॉक्स स्लोली लास्ट वन मेरा घर नदी के किनारे है मीनिंग इज दैट माई हाउस इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सो यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो नेक्स्ट वन वी हैव रचनात्मक अभिव्यक्ति दैट मीन्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन सो हियर द फर्स्ट वन इज शब्द जाल में से दस शहरों राज्यों के नाम ढूंढकर लिखिए सो यू कैन सी हियर बॉक्स विथ फ्यू लेटर्स सो यू हैव टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द टेन सिटीज और स्टेट्स फ्रॉम द जागन नाउ हियर फर्स्ट वन यू कैन सी इट्स ऑलरेडी डन इट फॉर यू एंड द नेम इज चेन्नई It's name of one of our state. Same way, you have to find out different names. Let's see the answer. You can see here: Hyderabad, Mumbai, Goa, Bhuvaneshwar, Delhi, Assam, Kerala, Kanpur, Bhopal, Nagpur. So these are the names of cities and Stays and you have to write these names here in page number 70 in the given space. Now let's move on to the second exercise. Prashna hai chitra ko kahani ke par kram DJ or kahani kahiye, So you can see here four pictures are there. You have to arrange it in proper order and tell a story. So this activity you have to record it and submit in Microsoft Teams. नेक्स्ट वन थर्ड चित्र में कौन कौन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं चित्र के बारे में कुछ वाक्य बताइए सो यू हैव टू राइट वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन द पिक्चर एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर इन फ्यू सेंटेंसेस सो दिस यू हैव टू राइट इट इन हिंदी लैंग्वेज इन योर नोटबुक आज के लिए बस इतना ही अब हम अगली क्लास में मिलेंगे धन्यवाद